हे गाइस, तो ये बिफोर फोटो आप लोग देख सकते हो, कार की फोटो है मॉडल की। और ये फोटो को मैंने एडिट करके कुछ इस हिसाब से बनाया है गाइस, एकदम स्मूथली। तो कैसे एडिट करना है तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो गाइस, ये फोटो आया था मेरे क्लाइंट की तरफ से। इसको मैंने अभी लाइटरूम के अंदर टचअप किया हुआ है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कलर ग्रेड किया हुआ फोटो है। तो इसका भी मैं बैकग्राउंड इरेज करने वाला हूँ। जो मेरे को पोर्शन नहीं चाहिए वो मैंने इरेज किया हुआ है। तो गाइस, बैकग्राउंड कैसे परफेक्टली इरेज करते हैं उसकी वीडियो की लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पे मिलने वाली है, तो जाके ज़रूर से ज़रूर देख लेना। आप लोग भी एकदम परफेक्ट जो है बैकग्राउंड एडिटिंग सीख जाओगे। ये फोटो मैंने ऑटोडेस्क के अंदर टचअप किया हुआ है, उसकी भी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन पे, वो भी देख लेना। अब ये जो गाइस फोटो है जिसको मैंने ऑटोडेस्क के अंदर टचअप किया हुआ है, वो फोटो मैं पिक्सार्ट के अंदर लेके जाके शेयर करने वाला हूँ। और जैसे कि ये शेयर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे सिंपली देख सकते हो। यहाँ पे सिंपली आप लोग को चले जाना है ड्रॉ टूल के अंदर। ड्रॉ टूल में जाने के बाद लेयर पैनल को यहाँ से हम लोग को ओपन कर लेना है। एम्प्टी लेयर जो है उसको नीचे रख के यहाँ पे ऐड फोटो कर लेंगे। और ये जो गाइस बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड यहाँ पे मैं सेट करने वाला हूँ। तो जो मैच करता है गाइस वही बैकग्राउंड यहाँ पे आप लोग को बिठाना है। तो ये बैकग्राउंड मैंने इसके लिए बिठाया क्योंकि ये बैकग्राउंड के साथ मैच कर रहा है। प्लस ये जो बैकग्राउंड है गाइस काफ़ी रियलिस्टिक लग रहा है। बट यहाँ पे हम लोग जो कलर ग्रेड और एडिटिंग करने वाले हो वो एकदम परफेक्टली और एकदम रियलिस्टिक लगना चाहिए। तो उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हल्का रोड भी दिखना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा ऊपर की तरफ से निकाला है। तो ये हम लोग ने एकदम सेट कर लिया है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले गाइस, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग। पहले मैंने आई बटन से क्लोज़ किया मॉडल को, यहाँ से डिस्कार्ड करके चले जा रहा हूँ इफेक्ट्स टूल के अंदर। यहाँ पे मैंने लेंस ब्लर पे क्लिक कर लिया है, लाइटनेस को ज़ीरो कर लिया है। अब यहाँ पे मैं सिंपली राइट कर लेता हूँ। अगर आप लोग को ब्लर का क्वांटिटी कम करना है तो आप लोग कम कर सकते हो, ज़्यादा करना है तो आप लोग ज़्यादा रख सकते हो। बट यहाँ पे मैंने कम रखा है, 20 रखा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मैं एडजस्टमेंट में चले जाता हूँ क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड के साथ मॉडल को भी एडजस्टमेंट करना है। तो मैंने इसकी हाईलाइट थोड़ी कम कर ली है। वापस से मैं ड्रॉ टूल में आ चुका हूँ अभी। तो अभी यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, वापस से ऐड फोटो करने वाला हूँ। और ये जो बैकग्राउंड है इसको मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ, एक मिनट। हाँ, वापस से मैं एक ड्रॉ टूल में आ गया हूँ ना गाइस। तो यहाँ पे मैं लेयर पैनल को ऑन करके ऐड फोटो कर लेता हूँ। और ये जो मॉडल का फोटो है गाइस, ये हम लोग को वापस से यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो सेम अगर आप लोग ऐसे ही खिंचा रहे हो तो आप लोग को ये काफ़ी ईजी पड़ेगा। और आप लोग यहाँ पे सब स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने जैसे कि यहाँ पे सेट कर लिया है, अब यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिस्कार्ड करके चले जाऊँगा क्योंकि यहाँ पे और हम लोग को कुछ करना नहीं है। क्योंकि गाइज मैंने ऑलरेडी लाइटरूम के अंदर जो फोटो है मॉडल का वो टचअप किया हुआ था। अब यहाँ से मैंने डिस्कार्ड कर लिया मर्ज करके। वापस से इफेक्ट्स टूल में जाने के बाद यहाँ पे मोशन ब्लर का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को ब्लर के टूल में। तो यहाँ पे ये ले लेना है, इरेज करना है। फिर यहाँ पे इन्वर्ट का ऑप्शन है। फिर आप लोग को रिस्टोर ब्रश पे क्लिक करके जहाँ पे आप लोग को मोशन ब्लर करना है वहाँ पे आप लोग को ये ले लेना है। अब यहाँ पे मिरर है आप लोग देख सकते हो, तो उसके वजह से यहाँ पे मैंने मोशन ब्लर कर दिया है ताकि वहाँ पे मोशन ब्लर रहे, यानी कि भाई गाड़ी चल रही है, खड़ी नहीं है। तो वैसा हम लोग यहाँ पे इफेक्ट देने वाले। तो ये ऊपर के साइड पे ही देना है आप लोग को, हर जगह पे नहीं देना है। जैसे कि मैं दे रहा हूँ गाइस एकदम परफेक्टली, अभी देखो मैच कर गया बैकग्राउंड के साथ, कलर ग्रेड हो गया है। और यहाँ पे भी हल्का हल्का डाल देते हैं हम लोग मोशन ब्लर। तो यहाँ पे भी मैंने मोशन ब्लर डाल दिया है, अभी एकदम परफेक्टली बन गया है। जितने भी साइड में ना गाइस वहाँ पे आप लोगों को मोशन ब्लर दे देना, क्योंकि अगर आप लोग परफेक्ट अगर क्रॉप नहीं कर पा रहे हो तो ये आप लोग का मोशन ब्लर आप लोग को हेल्प कर देगा। अभी एकदम परफेक्टली हो चुका है। अब वापस से आप लोग को ड्रॉ टूल में जाके इमेज को सेव कर लेना है क्योंकि हमारा एडिट हो चुका है। अभी एक बार गाइस गैलरी में रिव्यू देख लेते, क्वालिटी चेक कर देगी क्वालिटी कैसी है। तो आप लोग देख सकते हो क्वालिटी कितनी दमदार है और एकदम परफेक्टली यहाँ पे बैकग्राउंड एकदम इरेज किया हुआ है। बैकग्राउंड को हम लोग ने सेट कर लिया है। अब ये फोटो को गाइस मैं लाइटरूम के अंदर शेयर करने वाला हूँ। और ये जो प्रीसेट है गाइस, ये प्रीसेट आप लोगों को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है, तो फोटो की कलर जो है ना गाइस और ऑसम सी चढ़ जाएगी। और यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत यहाँ पे मैनुअली जो है थोड़ा बहुत चेंजेस करना पड़ेगा क्योंकि प्रीसेट हर फोटो में अच्छी नहीं लगती है। थोड़ा बहुत आप लोग को भी चेंजेस करना पड़ेगा ताकि जो फोटो है आप लोग की एकदम परफेक्टली बन पाई और एकदम मैच कर सके फोटो बैकग्राउंड के साथ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि फोटो तो एकदम ऑसम, एकदम सीबी एडिट जैसी हो चुकी है, जबकि ये पूरा मैंने पिक्सार्ट और लाइटरूम के अंदर किया है। यहाँ पे कोई फेक वीडियो मैंने नहीं बनाया गाइस, जैसे कि मैंने आप लोग को यहाँ पे लाइव एडिटिंग दिखा रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैंने ऐड फोटो किया, चिपकाया, पीएनजी लगाया, यहाँ पे कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ऐसा एडिटिंग सीखने के लिए गाइस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना ताकि मेरे को मालूम पड़े कि आप लोग को ये वीडियो कैसी लग रही है। और आप लोग यहाँ पे जो लाइटरूम 6.0 के ऊपर वाला जितने भी वर्जन है गाइस, उसमें आप लोग अपना कस्टमाइज ग्राफिक लोगो होता है जो, वो आप लोग लगा सकते हो। तो अगर आप लोग के पास लाइटरूम 6.0 नहीं है तो प्लेलिस्ट में जाके गाइस मेरे चेक करना, उसमें आप लोग को 6.0 मिल जाएगा। और प्लस अगर आप लोग को पिक्सार्ट का गोल्ड नहीं है तो वो भी आप लोग को मिल जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग वीडियो को कर लेते हैं एंड, क्योंकि फोटो हो चुकी है हमारी रेडी। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे नहीं हो तो गाइस सब्सक्राइब करो क्योंकि मैं डेली वीडियोस लाते रहता हूँ। और यहाँ पे मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।